हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी प्लैनेट पे। तो गाइस, अभी हमने एक पीडीएफ चैनल पे डाली थी, जो ये पीडीएफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन टाइपिंग टेस्ट पे पंजाब एंड हरियाणा टाइपिंग टेस्ट के लिए थी। तो गाइस, जो लाइव हमने सेशन किया था वो काफी लंबा हो गया था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई थी और काफी बच्चों ने मिस कर दी थी, उसी के लिए हमने एक वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में हमने ये देखेंगे कि आपको ये पीडीएफ क्यों खरीदनी चाहिए, अगर आप इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो जो ये पीडीएफ है, इसमें 20 टेस्ट हैं और 20 के टेस्ट सभी टेस्ट लेंथी बनाए गए हैं, ताकि कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट के जरिए मैसेज आया कि उनकी स्पीड 43, 44, 45 प्लस है, तो उन्हें दोबारा से टाइप करना पड़ता है, वो मैटर खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको मैटर दोबारा से रिटाइप नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने लेंथ अच्छी बनाई है, तो एक सबसे अच्छी बात इसमें है। और गाइस, जितनों की भी स्पीड आज 35 प्लस पहुंच चुकी है, उन्हें इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करके अपना एनालिसिस करना चाहिए, क्या ये वास्तव में एक स्टैंडर्ड टाइपिंग टेस्ट में 35 प्लस की स्पीड निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। ये मत सोचो कि उसने खरीदी है, उस भाई ने खरीदी है, मैंने नहीं खरीदी। गाइस, इस टाइम में आपका फाइनल सिलेक्शन से आप एक कदम दूर हो, आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। और बहुत ही किफायती टेस्ट सीरीज रखी है, 30 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है। और आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें जाकर इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हो। और गाइस, अब बात करते हैं कौन कौन से रीजन है। सबसे पहले बात स्टैंडर्ड सीरीज है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा गाइस। बहुत से आपके जो ये है कोमा, इन्वर्टेड कोमा, हाइफन, डैश, और जैसे कोलम होता है, सेमी कोलम होता है, एंड नंबर्स होते हैं, आपकी परसेंटेज का मार्क होता है, साथ साथ क्वेश्चन मार्क होता है, इनसे रिलेटेड ना जाने कितनी गलतियां आप जाने अनजाने कर रहे हो। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आपको लगता है, कहेगा कि आपकी 4 गलतियां थी, 5 गलतियां थी, आप टाइपिंग टेस्ट फेल हो गए हो। क्या क्यों? क्योंकि आपने इनकी बहुत कम प्रैक्टिस करी होती है। जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो उनमें इनकी संख्या कितनी है ये आपको पता होगा, पर हमने जो टेस्ट सीरीज इसमें डाली है, मैंने सफिशिएंट नंबर में इनका यूज किया है, आपको इनके इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं वर्ड्स की। तो वर्ड्स देखिए, बोला तो सभी टेस्टों में ऐसे ही जाता है कि जो वर्ड रहेगा वो 5 स्ट्रोक्स का रहेगा, बट आजकल टाइपिंग का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, जो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जो एक वर्ड में होते हैं वो ज्यादा आते हैं। अगर आप तैयारी अच्छे बड़े वर्ड पे करोगे तो वहां टेस्ट आसान होगा। और एक गाइस, आज आपको जितनी मुश्किलें आज झेलोगे पेपर वाले दिन, उतना ही आपको आराम मिलेगा। आज आप जितना आराम वाले टेस्ट दोगे उतना ही पेपर वाले दिन आपको मुश्किल होगा। इसलिए जो मैंने जो वर्ड रखे हैं उसमें लेंथी वर्ड्स को ज्यादा रखा है, ताकि आप इस टेस्ट को अगर बीट कर पाते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आए। साथ ही साथ गाइस, आपको कंपेयर करने का मौका मिलेगा। आपका जो भी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट रहता है, जो भी परफॉर्मेंस रहती है, आपको करना क्या है गाइस, सभी के सभी कैंडिडेट्स मैं पोस्ट डालूंगा चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो पोस्ट दिखेगी आपको, पोस्ट हम डालेंगे। उसमें मैं क्या डालूंगा, उसमें हम हैशटैग कर देंगे कि टेस्ट 1 और 2 के लिए है। तो आप जितने भी कैंडिडेट्स ने जितने भी टेस्ट सीरीज अटेंड करी है, वो सारे के सारे एक स्पेशल मेथड के जरिए कमेंट में मुझे बताएं। जैसे आप बता सकते हैं मुझे कि ये ऐसे करके आप कमेंट कर सकते हो कि पहले नंबर का टेस्ट है, 2120 आपने स्ट्रोक्स लगाई, 3 मिस्टेक करी, नंबर ऑफ मिस्टेक यहां दिखा देना, और फिर आप उस टेस्ट का नाम लिख सकते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का टेस्ट दे रहे हैं तो आप यहां वर्ड्स और मिस्टेक्स बताएं। तो गाइस, आपको देखेंगे कि इस टाइम सबसे अच्छी स्पीड किसकी निकल रही है, और कोई कमेंट में झूठ नहीं बोलता है गाइस। ये सारे के सारे आपको पता है कॉम्पिटिटर है, कौन झूठ बोलेगा, सभी के सभी बेस्ट अपनी स्पीड चाहते हैं। और गाइस, कई नई बातों का पता लगेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मन में डाउट होता है, एक डैश होता है, एक एम डैश होता है, कैसे ये लगाते हैं, अगर पेपर में एकदम आ गया तो कैसे हमें इस चीज को संभालना होगा, एक एक गलती है जो आपको बाहर निकाल सकती है टेस्ट से। इसलिए कह रहा हूं टेस्ट सीरीज खरीदो। और इस समय लगभग अगर देखा जाए 4000 समथिंग से ज्यादा बच्चे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, 3000 समथिंग बच्चे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के, हजारों के बच्चों में अगर आप सभी के सभी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज से जुड़ जाते हो, तो गाइस डेफिनेटली आपको एक कंपटीशन का माहौल मिलेगा। और जो कंपटीशन आपको एग्जाम में फेस होना है, वो अगर आप आज ही फेस कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे पास एक कुछ बंदों के ऐसे भी कमेंट आए, सर अभी लॉकडाउन चला हुआ है, अब हम इसको के हमारे पास प्रिंटर भी नहीं है तो कैसे करोगे, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, फोन
दिखाना है, फोन में अपना पीडीएफ कोई इंस्टॉल कीजिए। पीडीएफ व्यूअर इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, फोन को लैंडस्केप मोड में अपने आगे रखिए, बिल्कुल इजीली है। आपको स्क्रॉल करना है, कम से कम 4 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, 4 बार स्क्रॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप जितनी दिक्कतें आज झेलोगे पेपर वाले दिन उतना ही अच्छा होगा। और हम जो भी मैंने आज ये टेस्ट सीरीज मतलब आपको दी है, हम कल शाम को आएंगे और उसमें डाउट सेशन लेंगे पहले और दूसरे टेस्ट का। आपके पास 24 घंटे का समय है, 2 टेस्ट आपको लगाने हैं, 2 टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है और अपने रिजल्ट को लिख लेना है। और आप मुझे पोस्ट में आज रात 9 बजे को हम पोस्ट डाल देंगे समथिंग कि भाई आप अपने कमेंट चालू कर सकते हो कि आपकी क्या स्पीड रही। और कोई भी क्वेश्चन हो गाइस, जितने बंदों ने मेरी ये पीडीएफ ली है गाइस, हर क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका टाइपिंग टेस्ट इस मतलब आपका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट की वजह से नहीं रुकेगा। हो सकता है मार्क्स आपके कम हो तो कुछ नहीं कह सकते, पर टाइपिंग टेस्ट आप सभी का पास होगा। तो होप यू एंजॉय द वीडियो। जय हिंद। और कोरोना वायरस अब देश में फैला हुआ है तो घर पे रहिए और टाइम का फायदा उठाइए। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।